हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आर रिश्ते में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई आर के आर। कैमरे पर अपने भाई अशोक है, वो और लोकेशन यार। बाकी ये दोनों पेंटिंग इनके पास में आकर खड़े होने का मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है कि आप इस लोकेशन को बखूबी पहचान जाओ। फिर भी जो भाई लोग नए हैं, जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है, वो तो पहचान गए कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। जो भाई नए हैं उनको वापस बताना चाहते हैं भाई। अशोक भाई इस तरफ के अंदर आ जाओ और पीछे का व्यू लो। तो आज खड़े हैं लंबी देर माइंस मसूरी उत्तराखंड में, और किसकी आवाज आई दोस्तों? बहुत ही हॉरर स्टोरी है, बहुत ही क्रिटिकल स्टोरी है, और यहाँ पर क्या घटना घटी है सभी को मालूम है। लगभग मैं जानता हूँ जहाँ तक यार। अगर किसी को नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट आ रहा है, मोस्ट पॉपुलर टॉप 5 में से फर्स्ट नंबर पे ये लोकेशन आती है मसूरी की लंबी देर माइंस, जहां पर 50,000 मजदूरों की मौत हुई। और यार एक और चीज है, अरे यार रुक जाओ ना यार, पैरों की आवाज आती है इसके अंदर। और यार सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 50,000 मजदूरों की मौत हुई, पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आके गए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यहाँ पर आके गए, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। पर मेरा काम था, आपकी डिमांड थी, वापस मैं यहाँ पर आया हुआ था स्पेशल आपके लिए कि वापस मैं जाऊँगा और वहाँ पर देखेंगे कि वास्तव में कौन सी क्या चीज़ है, या सच में है या नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, इतनी बारिश थी, इतना मतलब माहौल था यहाँ का, बहुत ही डेंजरस माहौल था, पर अभी बहुत शांत माहौल है। जानवरों की आवाज आ रही है, बस जानवरों की, पूरा माहौल सुनसान है। और यार एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि इस माइंस पर दिन को पार्टियां चलती है और लोग आते हैं घूमने के लिए, वेडिंग शूट होती है, मतलब बहुत कुछ होता है, क्योंकि पास में मकान बनना स्टार्ट हो गए हैं यार। यहां से मैं 3 या 4 किलोमीटर ये पहाड़ों के ऊपर दिख रहे हैं, आपको लाइटें नजर आ रही होगी। बाकी अपने एक और भाई यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ होगा यार, 50 मजदूर काम करते थे माइंस में, और चूना और पत्थर की माइनिंग होती थी, उनका कुछ रिएक्शन हुआ, उनको उल्टियाँ होने लगी। बोलते हैं गूगल पे स्टोरी है यार, और यहाँ के लोग बोलते हैं सच में कि चीखने की आवाज़ें आती हैं मजदूरों की यार। और सबसे बड़ी बात कि बोलते हैं कि उनका जब रिएक्शन हुआ ना, उनको उल्टियाँ हुई, तब मतलब जो फेफड़े होते हैं ना शरीर के अंदर, वो पत्थर के हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा होता है यार, ठीक है। क्योंकि वो अब जो भी था वो उस टाइम क्लियर हुआ नहीं हुआ, पर देखते हैं कि आज वापस कुछ वाइब्स आती है, नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होती है, कुछ मूवमेंट यहाँ पर होता है। तो कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, आपको बकायदा दिखाएंगे, ठीक है, विथ केटोमीटर के साथ में। केटोमीटर अपने भाई लेके आए हैं, तो उनको ढूंढते हैं सबसे पहले, ठीक है। बाकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन मैं आपको दिखाता चलूंगा, ठीक है। और सेफ्टी के लिए स्पेशल लेके आए हैं भाई डंडा। ये पिछले जब मेरा फर्स्ट पार्ट था ना, वहाँ उस टाइम भी मैं लेके आया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना फर्स्ट पार्ट, और आई बटन पे वीडियो आ रही होगी। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी 1 मिलियन करवा दो यार, क्योंकि आपके लिए इतनी दूर दूर की रिस्क लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का लिंक, सब कुछ आपको मिलेगा, मेरे से बात कर सकते हो यार, ठीक है, और मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, वो आपको पता है। ये किसी ने आग वगैरह लगाई थी यहाँ पर। और एक स्पेशल चीज यार, ठीक है, मैं राजस्थान से आया था ना, तो मतलब इतनी गर्मी थी, ठीक है, पर यहाँ पर आने के बाद मैं बिल्कुल ठंड का एहसास हो रहा है, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों के बीच में मसूरी, ठीक है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यार पहाड़ों की रानी मसूरी बोलते ही हैं। बाकी उसके बीच में बना हुआ ये हॉन्टेड पैलेस,
एक अद्भुत नमूना है यार, मतलब सच में इसको देखे ना, बहुत अजीब सा है। और इम्पोर्टेंट बात एक और, अगर फर्स्ट पार्ट पे आपने इस पे आपने ढेर सारा प्यार दिया, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर जो कि ये रास्ता जाता है, भाई अशोक भाई एक बार रास्ता बताओ, ये जंगलों के अंदर से रास्ता जाता है वहां पर जहां माइनिंग होती थी, एक्चुअल में जो माइनिंग होती थी वहां से मजदूर दौड़ दौड़ कर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनके लाशों के ढेर लग गए थे यार। ये लोग बोलते हैं भाई, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई की आवाज आ रही है, भाई से मिलवाते हैं। अशोक भाई लोकेशन को कवर करते चलना। बाकी यार एक स्पेशल और एक और चीज है, ये जो पेंटिंग है मैंने फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था, मतलब ये पेंटिंग यहाँ पर अजीब सी है यार। भाई इसके यहाँ पे बच्चा है यार, वो तो अशोक भाई की आवाज है। लो भाई किसी ने ना धक्का मार दिया से एसी सच में। भाई ठीक तो हो ना? हाँ अशोक भाई एक बार भाई के पास चलते हैं यार, क्या हुआ उनके। अरे भाई भाई ठीक तो हो भाई? क्या हो गया? अरे यार मैं चालू था क्या रहा और मेरे को लगा जैसे कि किसी ने धक्का मारा, ये हाथ से बैटरी निकल के पूरी गिर गई। सच में? हाँ लाइट दीप रेस्ट इन पीस। दीप की भी ये लास्ट टाइम भी था हमारे तरफ। हाँ बिल्कुल था, पर यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। हाँ ये है, हाँ हम बारिश में आए थे। तो ऊपर यार क्या हुआ? ऊपर जाने का है? हाँ ऊपर सीढ़ियाँ हैं, आप लोग ऊपर जाओ हम यहाँ पे, ठीक है? ओके ओके ऐसा कुछ करते हैं, कुछ भी हो तो आवाज लगाना, ठीक है? तो यहाँ पर ये था उनका ऑफिस पूरा। और भाई वन मिनट, क्या हुआ? ये क्या बना हुआ यार? आँख पता है दोस्तों, एक पेंटिंग नजर आ रही है, ये आंखें बनी हुई, यहाँ पे होठ, ये नाक, और यहाँ पे एक अजीब सा चेहरा, शैतानी चेहरा लग रहा है। हाँ पता है, हो सकता है कि यहाँ पे लोग वगैरह आते हो, लोग आते हो उन्होंने बलबीतों की बनाई हो, डराने के लिए बनाए हो, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस तो नहीं। पर ये जो है ना बहुत अजीब सा लग रहा है भाई। भाई तो देखते हैं इस पे कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे कुछ। यहाँ पे आने का मेरा एक मकसद था जो भाई, मैं अपन आए थे ना, सॉरी मैं नहीं अपन आए थे, तो उस टाइम बारिश आ रही थी, हाँ ढंग से लोकेशन को दिखा नहीं पाए यार, समझ में चल रहे थे, उस तो पानी भरा हुआ था और पूरा में पूरे यार पानी भरा हुआ था, ऊपर से बारिश आ रही थी, फिर भी रात को मतलब 12 1 बजे का टाइम होगा समथिंग, वो उस टाइम आए थे, हालत खराब हो चुकी थी हमारी यार, फिर भी यहाँ पर शूट करके गए थे। यहाँ दिन में पार्टी सोच लेना कि यार वो आवाज आ रही है ना, ये अजीब सी आवाज कहाँ, वो नीचे ओम भाई है तो उनकी आवाजें हैं, बाकी और ऊपर चलते हैं। ठीक है भाई, सबसे मतलब जो बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर कोई लोकेशन होती है ना हॉन्टेड, उनके अंदर एक अलग सा पार्ट होता है जिसको प्रॉपरली हॉन्टेड बताया जाता है, वो लोकेशन ऊपर का फ्लोर है। यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, पर यहाँ पर सच में बोलते हैं कि ये जो ये गैलरी बनी हुई है ना, ये हॉन्टेड बताई जाती है। और भाई यहाँ अजीब सा फील है मेरे को खुद को, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मैं अभी सीधा दस्त चढ़ गया है ना, लग रहा है मेरे को पीछा कर रहा हूँ, पता नहीं अभी क्या रीजन है। कैमरा तो नहीं, मास्क कुछ कसम से बता रहा हूँ,
यहाँ पर आते मतलब रोंगटे खड़े हो गए यार। देखो फोकस करके दिखाओ अशोक भाई, विक फोकस हो रहा है, गोजम दिख रहे हैं यार, नहीं है यहाँ पे सच में। अभी तक मैं चारों तरफ घूम गया इसके, ठीक है ना, कहीं पे भी कुछ नहीं लगा मेरे को, पर यहाँ पर मेरे को अजीब सी फीलिंग आई है। बारीपन बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर जब पहली बार आए थे ना तब भी कुछ ऐसा ही हुआ लास्ट टाइम, हाँ हाँ, यहाँ से दौड़ के निकले थे, मेरे को जहां तक याद है समथिंग वो 8 महीने समथिंग पुरानी बात है, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं जब तक नीचे था ना तब मेरे को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, पर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। मैं ऊपर गया था ना, कसम से बता रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आई, अशोक भाई ने बोला कि मेरे पीछे पीछे कोई है इन सीढ़ियों पे। मेरे को, मैं आया था ना पहले, तब भी मेरे को सच में, मैं दौड़ के निकला था वहां से, क्योंकि मेरे को अजीब सा, बहुत अजीब सा लगा था। यहाँ पे आपको कुछ लगा? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो हम एक क्या करते हैं, आप लोग नीचे आ रहे हो, फिर क्या करो? हाँ ठीक है, मैं नीचे जाके देखता हूँ। यहाँ देखिए आपने, हाँ यहाँ हमने देखिए, सलसलाहट की आवाज नहीं है, कुछ आवाज कौन है, कोई है, देखो खड़े हुए, कोई है यहाँ पर, कोई है, देखिए आप जो, ओ भाई कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, टच करके कोई जा रहा है, टच करके कोई जा रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, किसी की टच करने की आवाज, कोई फीलिंग सी है, कौन है? देखिए अगर आप लोग आज भी यहाँ पे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई है, देखने को लग रहा है, एक बार इस मीटर पे आके क्या आपने मुझे कराओगे आप, थोड़ी लाइट डिम रखना थोड़ा पीछे, देखो दो तीन क्वेश्चन पूछा कोई है तो। देखो अगर आप यहाँ पर कोई भी हो, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा हम सबको अच्छी मानते हैं, अगर आप यहाँ पर हो तो मीटर पर 2 बत्ती दो, ताकि हमारे को एहसास हो सके कि सच में आज भी आप यहाँ पर मौजूद हो और अपना जो वजूद है वो बनाए रखते हो। अच्छा एक मुझे लगता है कोई, देखो अगर आप लोग को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो इस मीटर पर लाइट दो, 20 मीटर के पास आओ, हम यहां चले जाएंगे, अपने होने का एहसास कराओ। क्या आप लोग आज भी हो? क्या हो भाई, पीछे कोई है, ऐसा लगा पीछे कोई है, लेकिन यहाँ पे जो भी है ना अपने होने का एहसास नहीं कर रहा। आपको ऊपर कोई लगा था? हाँ मेरे को सच में लगा था, मेरे को बहुत अजीब सा लगा, ऊपर लगा था। ऊपर क्या रूम है, छत है? कुछ नहीं, एक गैलरी बनी हुई है, ओनली गैलरी है, ना कोई रूम है ना और कुछ भी नहीं, वो साइड पोर्शन है। पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं, उसकी यार छत नहीं है, मतलब छत मतलब है ना, ये एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, एक अंदर आना, ये जो बनाया गया था ना ये था इस तरीके से, ये टीन थी यहाँ पे, हाँ कि मान लो, हाँ अगर ऐसा कुछ हो सर्दी में, अगर कुछ हो ना तो वो लोग निकाल के ले गए, पानी भी गिरे तो एक झटका मारा था आपको। आवाज कहाँ से हुई? ऊपर ऊपर ऊपर, चलो ऊपर 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 देखो यार आंखों से धोखा हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ ना भाई, सामने कुछ चमकती हुई चीज नजर आई थी, कैसा कोई जानवर भी हो कंफर्म नहीं, एक बार अब भी चलो एक बार देख कर। ओ यार यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्स है यार, मैं बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे आते ही वापस मतलब यार, ये देखो वाइब्स है यार यहाँ पे। ओ पता नहीं ऐसा लगा, पीछे ध्यान बैठा है यार, वाइब्स है यार यहाँ पे, यहाँ वाइब्स है भाई, कोई है
देखिए हम चले जाएंगे, अगर कोई है तो अपने फोन के एक्सेस मीटर पे करवा दे एक बार। क्या कोई है? अब जो भी है अगर आप लोग को हमारे यहां पसंद नहीं है, एक मिनट नोट रखना, तो इस मीटर पे आके आपकी मर्जी है कि जितना करीब आओगे उतनी लाइट जलेंगी, एक लाइट दो लाइट चल, जितनी लाइट आप देनी आपको दो। अगर आप यहां पर मौजूद हो भाई, लाइट आई इसमें रेडी। हाँ ओके, तो आपने लाइट दी है फिर से, अब हमारे आसपास से कहीं जा रहे हो, हमें छू के जा रहे हो, टच होके जा रहे हो, हमें फील हो रही, एक बार आप दोबारा इस पर लाइट दो। भाई आप बोलो, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। देखो मैं, हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पास में आए और हमारे को इस मीटर के जरिए लाइट बंद कर दो भाई, एकदम लाइट बंद कर दो। इस मीटर के जरिए हमारे से बात करने की कोशिश करें, हमारे से कनेक्ट हो, हम जान सके कि आप यहाँ पर जो भी हो। लोगों का कहना है कि यहाँ पे आज भी कुछ आत्माएं हैं, रूह हैं, जो आप लोग उस दुनिया में जा चुके हो, उस दुनिया पे जाने का जा चुके हो, आप लोग हमें एहसास नहीं कर सकते। एक यही तरीका है जिससे हम आपसे बात कर सकते हैं। क्या कोई है? अगर है तो मीटर पे दो बत्ती दें, एक बत्ती दें। अब मीटर के पास आइए, क्या कोई आएगा? क्या आप लोग हमसे डर रहे हैं? क्या आप हम पीछे हो जाएं? अगर पता है पीछे हो जाएं तो हम पीछे हो जाएंगे, इसे कर बत्ती दो, आप इसके मीटर के पास आओ। क्या आप चाहते हैं कि हम यहां से चले जाएं फिर भी बत्ती दें? तो हम यहां से चले जाएंगे बिना आपको परेशान करे हुए। ये हमारी गलती है कि इतनी रात को आकर हमने आपको परेशान किया यहाँ पर। आप लोग की जगह, ये आपकी जगह है, आप यहाँ पर रहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पता क्या होता है यार, ये जो भी चीज है ना, ये मतलब एक तो चीज कंफर्म हो गई यहाँ पे, नेगेटिव वाइब्स है, ठीक है, मतलब यार टच होके जा रही है बार बार। देखो पता क्या होता है, कभी कभी ऊपर भी खड़ा रहता है, ऊपर भी खड़ा रहता है, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ पता क्या वो लोग ना शायद हमसे डर रहे हैं, क्योंकि ना हम इतने ना कॉन्फिडेंट के साथ आए हुए हैं। हो सकता हो कि हम चार बंदे यहाँ पर है, इसीलिए एक काम करते हैं भाई, आप यहाँ रुको। नहीं मैं नीचे जाता हूँ, आप नहीं जाओ, लोकेशन कवर करनी, आप मैं पानी रुके, क्योंकि हम दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हाँ। कोई हमसे बात ही करे, बिल्कुल शायद चार लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा उनका अर्जेंट फील हो रहा हूँ, तो वो लोग नीचे हो जाए, वो लोग नीचे जा रहे हैं, तो फिर से यार एक चीज तो है यहाँ पर, मतलब अशोक भाई हाँ वाइब्स तो है, वाइब्स है 101% है, और जो बोलते हैं ना लोग कि वास्तव में यहाँ के लोग, दोस्तों मैंने यहाँ के लोगों से बात करी ना, तो वो बोलते हैं कि रात को नहीं दिन को भी चीखने की आवाज आती है। और लोकेशन कवर करते हैं, चलो भाई, कदम की आवाज है भाई, बाहर आने इधर आके जू लो भाई इसका पूरा। फुल लाइट हो गई। हाँ दोस्तों, कौन बोल सकता है कि ये हॉन्टेड है या नहीं है, ठीक है, इसका पता चलता है रात में, असली एहसास होता है यार। जानवर तो नहीं है यार, पता नहीं।
अजीब सा फील है यार। ये भी एक खंडर बना हुआ है पास में, इसी का ही पार्ट है ये। पर पता नहीं यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, क्या चीज़। मैं दिन को यहाँ पे आके गया था और रात में आए, बहुत ही मुश्किल से। इसकी तो कोई परमिशन की दिक्कत नहीं थी, मेन दिक्कत थी होटल की, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि भाई हम 10 बजे के बाद में अलाउ नहीं करते। पर मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करी थी यार हम सब ने कि भाई हमारे को जाना है 12 से 2 बजे के बीच में, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी यार इतनी ये कुत्ते के भौंकने की आवाज है भाई। कुछ लग रहा है यार मेरे को यहाँ पे। क्या हुआ? मैं ऐसा लगा मेरे को कोई पीछे खड़ा हो अपने। सच में? हाँ यार। कैमरा बना लो एक बार, कहीं पर कोई चीज रिकॉर्ड हो तो ठीक है, क्योंकि यार दोस्तों एक चीज है, अशोक भाई की आंखों से यार जानवरों की आवाज देखो। पी चलते एक बार। अशोक भाई की आंखों से ओझल हो सकती है कोई चीज, मेरी आंखों से पर हो सकता हो। कैमरे में कुछ आया है यार है? कैमरा में कुछ आया, कैमरे के अंदर कोई चीज रिकॉर्ड हो कमेंट करके जरूर बताना, जैसे हर बार आप बताते हो। भाई इसके अंदर चलते हैं एक बार, ये क्या बना ऊपर वाले में। हाँ यार आगे चल के आते हैं भाई। भाई रात भी काफी है भैया, बट इतना ना कुछ फील नहीं हो रहा है। अगर लोगों ने बोला तो हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे ना जो चुने वाली बात है वो भी सच है, जो ब्लास्ट हुआ है वो भी सच है। सच है यार, जैसे देखो यार अभी ऊपर चलते वही है, खंडर है पूरा है, ठीक है ऊपर दिखाने पर ऐसा एक चीज तो लग गई कि यहाँ पर थोड़ी सी हल्की फुल्की नेगेटिव वाइब्स है, ठीक है ना। और अब इस वीडियो पे आपका अच्छा प्यार रहा, सेकंड पार्ट जहाँ का आएगा ना, जहाँ पे आएगा जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ पे आज तक कोई यूट्यूबर नहीं पहुंचा, कोई न्यूज चैनल वाला तक नहीं पहुंचा, बिल्कुल वहाँ हम जाएंगे बस। और यहाँ पर बहुत सारे आए होंगे, हमारे को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ जो चुने वाला पार्ट है वो एक वायरस था, जैसे भी कोरोना फैला ना वो भी वायरस था, वो बात भी सच है और ब्लास्ट वाली बात भी सच है। पार्ट है ना यहाँ का वो भी जल्दी आएगा, क्या बोल रहे भाई? बिल्कुल बहुत जल्दी आएगा, आपका प्यार अच्छा रहा तो बहुत जल्दी आएगा। तो इसी के साथ में मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ में, अभी के लिए अलविदा आप सभी से, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और